जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच की पुरानी दोस्ती में पिछले कुछ सालों से तनाव बढ़ा है, खासकर शेख हसीना को भारत में पनाह देने के बाद। बांग्लादेश ने स्पष्ट शब्दों में भारत को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है। इस तनाव का फायदा चीन, पाकिस्तान और अमेरिका जैसी ताकतें उठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर सहयोग जारी है। एक अहम फैसला लिया गया है जिसमें 200 एकड़ भूमि जो नदी कटाव के कारण भारत में आ गई थी, अब बांग्लादेश को वापस की जाएगी। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बलों के बीच बैठक हुई, जिसमें विवादित भूमि के सर्वेक्षण और उसे सही मालिकों को लौटाने पर सहमति बनी। यह भूमि पद्मा नदी के मार्ग परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विवाद में थी। दूसरी ओर, बांग्लादेश की सरकार को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे रूपपुर परमाणु ऊर्जा प्लांट की परियोजना का रुकना। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद भारतीय कंपनी ने इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला किया। इस वजह से 12.65 बिलियन डॉलर का यह प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। बांग्लादेश के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के लिए ट्रांसमिशन लाइन का काम भी प्रभावित हुआ है, जिससे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं पर बुरा असर पड़ सकता है। इस बीच अमेरिका ने बांग्लादेश को आर्थिक और विकास सहायता देने का वादा किया है। करीब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता से बांग्लादेश में लोकतंत्र को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और व्यापारिक अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस सहायता के जरिए बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत बांग्लादेश के रिश्तों में और अधिक खटास आ सकती है। भारत और बांग्लादेश की भूमि विवाद का समाधान एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह देखना होगा कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में हालिया तनाव को केवल भू राजनीतिक घटनाओं का परिणाम मानना काफी सरल होगा। गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इन तनावों के पीछे विभिन्न जटिल कारक काम कर रहे हैं, जिनमें आंतरिक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का प्रभाव और क्षेत्रीय विकास की प्रतियोगिता शामिल है। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध मजबूत थे, खासकर 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद से, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच के संबंधों में कुछ तनाव पैदा हुआ है। शेख हसीना की सरकार भारत की महत्वपूर्ण सहयोगी रही है, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीतियों के संदर्भ में, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में भारत के हस्तक्षेप को लेकर असंतोष बढ़ा है। बांग्लादेश ने सीधे तौर पर भारत को अपने आंतरिक मामलों से दूर रहने को कहा है। यह आंतरिक असंतोष शेख हसीना के सत्ता से हटने और केयर टेकर सरकार के आने के बाद और भी बढ़ गया है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव का सबसे बड़ा फायदा चीन और अमेरिका उठा रहे हैं। चीन पहले से ही बांग्लादेश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अब अमेरिका ने भी बांग्लादेश को 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद का वादा किया है, जो बांग्लादेश में लोकतंत्र और सामाजिक विकास के नाम पर दी जा रही है। हालांकि यह मदद एक व्यापक भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकती है, जिसका मकसद बांग्लादेश में भारत के प्रभाव को कम करना है। यह देखा गया है कि अमेरिका कई बार दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंध बनाकर चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में भारत को बांग्लादेश के साथ अपने विशेष रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश इस समय अपनी भू राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाकर भारत, चीन और अमेरिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। 200 एकड़ जमीन को वापस लौटाने का समझौता दोनों देशों के रिश्तों में एक सकारात्मक कदम है, जो दर्शाता है कि दोनों देश विवादों के बावजूद एक दूसरे के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। इस भूमि विवाद का समाधान यह संकेत देता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा और संप्रभुता के मामलों में बातचीत और कूटनीति से समाधान की संभावना बनी हुई है। लेकिन भूमि विवाद का हल होना
भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण संदेश भी हो सकता है। भारत को यह समझना होगा कि बांग्लादेश अब सिर्फ एक छोटा पड़ोसी नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र, स्वायत्त और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारतीय कंपनी का काम रोकना न केवल बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा पर असर डालेगा, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक साझेदारी को भी झटका लगेगा। शेख हसीना के हटने के बाद भारतीय कंपनी का प्रोजेक्ट छोड़ देना यह दर्शाता है कि राजनीतिक स्थिरता न होने के कारण व्यापारिक और निवेश प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ रहा है। परमाणु ऊर्जा प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रतीक होते हैं। भारतीय कंपनी का प्रोजेक्ट छोड़ना सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, यह एक बड़ा सामरिक नुकसान भी है, क्योंकि इससे भारत बांग्लादेश संबंधों में अस्थिरता की छवि उभरती है। भारत के लिए यह जरूरी है कि वह इन प्रोजेक्ट्स में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे, ताकि भविष्य में अन्य देशों के साथ रिश्तों में यह समस्या न आए। शेख हसीना की सरकार के बाद बांग्लादेश की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। भारत के साथ संबंधों को मजबूत रखने के बजाय बांग्लादेश अब बहुपक्षीय कूटनीति का रास्ता अपना रहा है, जिसमें वह चीन, अमेरिका और अन्य शक्तियों से मदद लेने की कोशिश कर रहा है। यह भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के बदलते रुख से भारत का क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर हो सकता है। भारत को अब एक नए दृष्टिकोण से बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को देखना होगा। बांग्लादेश की नई सरकार से संवाद बनाए रखना और उसके साथ सहयोग के नए रास्ते तलाशना भारत के हित में होगा। अगर भारत इन परिस्थितियों का सही ढंग से सामना नहीं करता, तो यह बांग्लादेश के साथ उसकी विशेष संबंध की नींव को कमजोर कर सकता है, जिससे चीन और अमेरिका जैसी शक्तियों को फायदा होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध जटिल हैं, और इन पर आंतरिक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का गहरा प्रभाव है। दोनों देशों के बीच भूमि विवाद का हल और रूपपुर प्रोजेक्ट का ठप्प होना इन रिश्तों के जटिल पहलुओं को उजागर करता है। भारत को इस स्थिति में समझदारी और कूटनीति के साथ बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करना होगा, ताकि वह अपनी सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत कर सके और क्षेत्र में अपनी भूमिका को बनाए रख सके। बांग्लादेश की नई नीति का एक प्रमुख पहलू बहुपक्षीय कूटनीति, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी है। पहले जहां बांग्लादेश मुख्य रूप से भारत पर निर्भर था, अब वह अन्य वैश्विक शक्तियों जैसे अमेरिका, चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। चीन, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है, बांग्लादेश में कई प्रमुख परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत चीन बांग्लादेश के विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश कर रहा है, जिसमें सड़कें, बंदरगाह और बिजली परियोजनाएं शामिल हैं। चीन के साथ इस आर्थिक सहयोग से बांग्लादेश अपनी विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ चीन का प्रभाव भी बढ़ रहा है। अमेरिका ने बांग्लादेश को 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का वादा किया है, जो लोकतंत्र, सुशासन और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए है। यह आर्थिक सहायता सिर्फ आर्थिक विकास का प्रतीक नहीं है, बल्कि अमेरिका बांग्लादेश को चीन के प्रभाव से बाहर लाने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। बांग्लादेश ने भारत को स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं चाहता।